सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को बड़ी राहत, सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को सशर्त जमानत दी, कहा ईडी वाली शर्त इस केस में भी लागू होगी। शिमला के बाद मंडी में अवैध मस्जिद को लेकर विरोध प्रदर्शन, प्रशासन ने इलाके में धारा 163 लागू की। शिमला के संजोली मस्जिद के विवादित हिस्से को किया जा सकता है सील, मुस्लिम पक्ष ने आयुक्त को दिया था प्रपोजल। शिमला के संजोली मस्जिद विवाद पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग, सचिवालय में होगी बैठक। विधानसभा में नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं होंगे शामिल, निजी कारणों का हवाला देते हुए कहा सरकार को पहले ही मीटिंग बुलानी चाहिए थी। वक्त संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति की बैठक अगले सप्ताह 18-19-20 सितंबर को संसद भवन में होगी मीटिंग। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के साथ संबंधों में सुधार के दिए संकेत, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में एक कार्यक्रम में बोले पीएम सीमा पूर्वी सीमा में चीन के साथ 75% समस्या सुलझी। सेंट पीटर्सबर्ग में राष्ट्रपति पुतिन से मिले एनएसएजी डोवाल, पुतिन ने डोवाल के जरिए पीएम मोदी को दिया ब्रिक्स समिट का न्योता, अलग से बैठक के लिए भी आमंत्रित किया। एनएसएजी डोवाल ने चीन के विदेश मंत्री से भी की मुलाकात, दोनों के बीच एलएसी विवाद के जल्द समाधान को लेकर सहमति बनी। प्रधानमंत्री मोदी ने पैरालंपिक पदक विजेताओं से मुलाकात की, रिकॉर्ड 29 पदक जीतने के लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री ने बारी बारी से सभी खिलाड़ियों से बात की, एथलीट्स के अनुभव जाने हौसला बढ़ाया। गोल्ड मेडल विजेता जैवलिन पैरा थ्रोअर नवदीप सिंह ने पीएम मोदी को एक टोपी भेंट की, उनका ऑटोग्राफ लिया। पैरा तीरंदाज हरविंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पैरिस में इस्तेमाल किया, तीर गिफ्ट किया। हरविंदर ने तीरंदाजी में पहला पैरालंपिक गोल्ड जीता है। दिल्ली के कई इलाकों में देर रात से लगातार हो रही रिमझिम बारिश, सफदरजंग और कोपरनिकस मार्ग पर भी बारिश, गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। दिल्ली में लगातार बारिश के बाद कई इलाकों में जलजमाव, संगम विहार में सड़कें हुई लबालब, लोगों की परेशानी बढ़ी। दिल्ली के धौलाकुआ इलाके में भरा पानी, वाहनों की रफ्तार हुई धीमी। भारी बारिश के बाद दिल्ली के आईटीओ इलाके में भी जल भराव, राहगीरों की मुसीबतें बढ़ी, ट्रैफिक हुआ स्लो। दिल्ली में भारी बारिश के बाद नबी करीम इलाके में एक बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरा, एक व्यक्ति की मौत, दो लोग घायल। उत्तराखंड और यूपी में अगले 3 दिन तक बारिश से राहत नहीं, मौसम विभाग ने भारी बारिश की दी चेतावनी। यूपी में पिछले 24 घंटे में भारी बारिश की वजह से 12 लोगों की मौत की खबर, पूरे राज्य में औसतन 28.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज।